नमस्कार दोस्तों, मैं इंशुल, मैं आप सभी का अपने चैनल टेक इन टारगेट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में हमारे साथ है आद्यंत, जो कि प्लेस हो चुके हैं इंफोसिस में एज अ सिस्टम इंजीनियर रोल। तो दोस्तों आज की वीडियो में सब कुछ शेयर करने वाले कि क्या क्या इनसे इंटरव्यू में पूछा गया। उससे पहले दोस्तों जो आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है उसके बारे में बताएंगे, उसकी क्या डिफिकल्टी होती है, कैसे आप उसको क्रैक कर सकते हो। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आद्यंत के इंट्रोडक्शन के साथ। थैंक यू सो मच अंशुल सर, एंड इट्स माई प्लेजर टू बी हियर। सो यदि मैं स्टार्ट करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो रिटन एग्जाम था, दिस वॉज माई फर्स्ट एवर रिटन एज वेल एज इंटरव्यू एग्जाम। मैंने अभी तक कोई भी इंटरव्यू या रिटन ऐसा दिया नहीं था, तो ये मेरा फर्स्ट ही अटेम्प्ट एज अ फ्रेशर। सो मेरा रिटन हुआ था 22nd ऑफ लास्ट मंथ, एंड उसका रिजल्ट आया था 28th को कि आई हैव क्वालिफाइड माई रिटन एग्जाम। फिर उसके बाद मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था 6th को, and then I got my result on 9th. 9th को आ गया था, now you are selected. Direct मेरे पास offer letter ही आया था, no survey mail. So ये थी बहुत छोटी सी कहानी Infosys की। और यदि हम back story पे जाएं, इसकी back part जो पूरा हमने काम किया, तो written part मेरे लिए kind of easy था। मतलब मैं ये बताना भी चाहूंगा अपने viewers को भी, आपके viewers को, कि यदि आप non-CSIT रहे तो भी आपके लिए video है, क्योंकि मेरा जो लास्ट ईयर था, लास्ट ईयर ऑफ माय कॉलेज, वो मैंने पूरा डेडिकेट कर दिया था अपने डिफेंस सर्विसेज के लिए। तो मैं बहुत ज्यादा मतलब कॉलेज में इतना एक्टिव नहीं था, और आप जानते हैं जैसे कि लॉकडाउन और पेंडेमिक ये सब चल रहा था, तो मेरे पास काफी समय हुआ करता था कि अपन बाकी चीजें भी देख सकें, डिफेंस सर्विसेज की प्रिपरेशन कर सकें। तो मेरा पूरा लास्ट ईयर ऐसे गया। इवन मेरे जो रेज्यूमे है तो उसमें भी मैंने अपने लास्ट ईयर के प्रोजेक्ट्स को मेंशन नहीं किया था, मैंने उसके पहले के जो अपने प्रोजेक्ट्स थे उन्हें मेंशन किया था। इवन मेरे पास वो आंसर भी तैयार था कि यदि इंटरव्यूअर मुझसे पूछते हैं कि आपने ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट मेंशन किए हैं, वो आपके लास्ट ईयर के नहीं है, तो मैं उन्हें बता सकता था कि मैं डिफेंस सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा था। सो बिकॉज मैं डिफेंस सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा था, तो एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड पजल सॉल्विंग, ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी एक साल से मैं कर ही रहा था, तो मेरे लिए वो चीज उतनी कठिन नहीं थी। पैटर्न डिफरेंट था, what I was solving for defense exams was very different than what I am going to solve for these companies, but चीज़ें similar थी, तो it wasn't a very difficult part for me, it was a like cake walk, तो वो उतना difficult नहीं था। but yeah, मुझे sudo code के लिए तैयारी करनी थी। sudo code के लिए मैंने काफ़ी सारी videos देखी, previous year questions वगैरह देखे कि कैसे क्या आते हैं, क्या पूछे जाते हैं, बहुत सारे चैनल है, सर के चैनल हैं, सब पे आपको हेल्प मिल जाएगी। तो एक वही चीज थी जिसके लिए मुझे अलग से कुछ तैयारी करनी थी, अदरवाइज बाकी जो रिटर्न का पार्ट था, इंग्लिश, रीजनिंग एंड ऑल दिस, एप्टीट्यूड वगैरह, ये मेरा ऑलरेडी प्रिपेयर मैं कर ही रहा था एक साल से फॉर अ डिफरेंट एग्जाम बट सिमिलर थिंग। अब यदि इंटरव्यू पर आए, तो इंटरव्यू की तैयारी के लिए मैंने सर के वीडियोज और बहुत सारे वीडियोज जो ऐसे लाइव इंटरेक्शंस, ताकि हमें पता चले कि हाउ यू शुड कम्युनिकेट, हाउ यू शुड प्रेजेंट योरसेल्फ, तो ये सब मैंने काफी वॉच किए। माय फ्रेंड हु इज प्लेस्ड इन एसेंचर, ही हेल्प मी आउट लाइक यू शुड गो एंड वॉच सेवरल वीडियोस ऑफ इंटरव्यू, हाउ इंटरव्यू हैपेंस। सो मैंने वो सारी चीजें देखी, आई कम अप विद दीज क्वेश्चंस कि भाई क्या क्या फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, एंड इवन मैंने 3 ऐसे सवाल तैयार करके रखे थे कि यदि इंटरव्यूअर ने पूछा तो यू आर सिलेक्टेड। तो वो 3 ये हो सकते हैं कि क्या आपके पास आपका पीसी है, या आपके पीसी में 8GB रैम है, या आप रिलोकेट करने के लिए तैयार हैं। तो yeah. मैंने सारी चीजें देख के ये चीज तो सॉर्ट कर ली थी कि हाँ, यदि इंटरव्यूअर ने मेरे मुझसे इन 3 में से कुछ भी एक चीज पूछी तो मेरा इंटरव्यू अच्छा गया। तो शुरू से अंत तक मेरा इंटरव्यू में सिर्फ यही चीज फोकस थी। खैर, आपको यदि मैं अब क्वेश्चन वाइज जाऊं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही मैंने ज्वाइन किया, मेरा था 6th of October को सुबह 9:20 की मेरी टाइमिंग, 6th of September, राइट? September, राइट? ओके, यस यस, 6th of September को, नहीं नहीं सॉरी, अक्टूबर चल रहा है ना? नो नो, September is going, September, हाँ हाँ, September is going, 6th of September, तो 6th of September को 9:20 मुझे सुबह की टाइमिंग दी थी, 19 मिनट्स का शेड्यूल था, बट ड्यू टू टेक्निकल एरर उनकी तरफ से 2 मिनट लेट हुआ, but we still managed, and total मेरा जो interview चला वो 25 minutes का था। उसमें उन्होंने चालू किया मुझसे पूछ के कि whether I am a fresher, और हमने मतलब मैंने कोई exam वगैरह दिए हैं या नहीं दिए।
I told him I am completely a fresher. This is my first interview as well as this was my first written exam. So ऐसा मैंने उनको बताया. फिर उन्होंने अपने बारे में बताया कि he has been working from 10 years in Infosys. Even he joined Infosys as a fresher. Even this was his first company. So उन्होंने अपने बारे में सब बताया. उसके बाद उन्होंने चालू किया मेरे introductions. He gave me a brief introduction about yourself. And trust me guys, this is the first question which gives your impression as well as what you know and everything. It shows everything about you. So always prepare your introduction. Most importantly, before going anywhere else, just prepare your introduction. And at least prepare your introduction long enough. Like सामने वाले को feel होए कि ये कम से कम अपने बारे में कुछ कह सकता है, कुछ बोल सकता है. सिर्फ एक आध डेढ़ मिनट का बोल के कोई फायदा नहीं है. आप अपने बारे में शो कीजिए कि हाँ मेरे पास मैंने काफी सारी चीजें अभी तक करी हैं अपनी लाइफ में, ताकि मैं उसमें 3 मिनट बोल सकता हूँ. ये मेरा टारगेट था, मैंने ये सेट किया था कि आई हैव टू से अबाउट 3 मिनट्स, मतलब 3 मिनट का मेरा होना चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं. मैंने सर की वीडियो, आपकी एक प्लेलिस्ट है, मैंने उसकी भी हेल्प ली, जिसमें आपने पूरी अच्छे तरीके से बताया है कि आपको क्या क्या चीजें बोलनी है. उसमें मैंने कुछ चीजें एड ऑन भी करी, जैसे मेरे एक्स्ट्रा करिकुलर काफी ज्यादा थे, मतलब आई हैव वेरियस अचीवमेंट्स इन वेरी डिफरेंट फील्ड्स, जो कि मैं अभी बताऊंगा आपको कि हाउ आई प्रिपेयर्ड माय इंट्रोडक्शन. तो इंट्रोडक्शन वाज वेरी इजी, लाइक आपको अपना नाम बताना है, मैंने अपनी एज भी मेंशन की, साथ ही साथ व्हेन आई वाज मेंशनिंग माय द सिटी व्हिच आई बिलोंग, सो आई एडेड दिस एडजेक्टिव काइंड ऑफ लाइन, लाइक आई बिलोंग टू द सिटी ऑफ लेक्स भोपाल. सो यू कैन यूज दीज थिंग्स इन योर इंट्रोडक्शन टू इम्प्रेस द इंटरव्यूअर. So, ऐसे करके आप फिर अपना बताइए. मैं आई एम फ्रॉम ओरिएंटल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भोपाल. एंड अपना आप परसेंटेज बता सकते हैं यदि आपके परसेंटेज अच्छे हैं, अदरवाइज आप जबरदस्ती मेंशन मत कीजिए यदि आपके परसेंटेज की वजह से एक गलत इंप्रेशन सामने वाले पे पड़ जाए. हो सकता है आपके कुछ कारण हो जिस वजह से आपके परसेंटेजेस में ये कुछ हुआ हो, जो भी है. तो एंड जरूरी नहीं है कि आप अपना परसेंटेज बताएं, आपके परसेंटेज अच्छे हैं तो आप बता सकते हैं. So I told him my percentage, my schooling, and then I told him about my internships and workshops as well as trainings. Then I told him about my projects. So project ko aap bilkul ekdam bahut zyada brief mein mat bataiye pehle. Aap like my example, there was this my project of my virtual assistants which was based on Python 3. This is the only thing which I told him. Like I had done this project, my virtual assistant, with the help of Python 3. I had made another project, which is smart storage, which is based on hosting Nextcloud on AWS. Like this, very short. आपने क्या project बनाया और एक बड़ी चीज जो आपने उसमें use की, like I had used Python 3 in that and I had used AWS in this, just like that. And then you move forward with whether you want to add your strength and weaknesses or you want to add your extracurricular activities. If you have so many extracurricular activities with good achievements, you can add those, or you can go with like your strength and weaknesses to increase your introduction part. So my extracurricular activities were very long, so I excluded those strength and weakness part. So there were many extracurricular activities, like I have been into powerlifting, I represented my university in national levels, I have various national level certificates in drawing competition, I had various certificates in handwriting, English and Hindi both certificates, and I am also an internationally certified personal trainer. And then I also told him like I had got 2 SSBs which I was preparing since a year. So I told him like I won't be able to go to the first SSB as because of corona crisis, I lost my grandfather, and then I was again selected for the next SSB, which I was being able to go, and I cracked those 5 days, but unfortunately I got rejected on medical grounds, like I had no place. So even he acknowledged that was the common part between us at the initial stage itself. Like he told me he was an Air Force aspirant too. He was being selected for Air Force. So I got stars in my eyes, like now we have something in common between us. So after that, he asked me about my projects, like what were your projects? So I explained him a very brief about my project. He asked me just one project. He didn't ask me the both of my projects. He just asked me that virtual assistant project. So wo pura maine unko bataya. Aap अपना एक प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करने का भी आप एक पूरा वो बना लीजिए फ्लो चार्ट, लाइक हाउ यू हैव टू मूव फॉरवर्ड,
लाइक पहले मैंने बताया हाउ विच टेक्नोलॉजीज आई हैड यूज इन दैट, फिर मैंने उसके बाद बताया कि व्हाट वाज माय मोटिवेशन बिहाइंड बिल्डिंग दिस सॉफ्टवेयर, फिर कैसी प्रोसेस रही, क्या डिफिकल्टीज हमने फेस करी और हमें फैकल्टी या टीचर्स से हमें क्या फीडबैक वगैरह मिला. तो दिस इज हाउ आई कम अप विथ हाउ टू प्रिपेयर माई प्रोजेक्ट व्हाइल व्हेन आई हैव टू टेल टेल हिम. एंड देन जस्ट लाइक जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं बस एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, अगर आपको नहीं मालूम कि कैसे आपको चीजों को एक्सप्लेन करना है, अपने इंटर्नशिप को कैसे एक्सप्लेन करना है, फिर कोई भी चीज को, तो मैंने एक वीडियो प्रॉपर इसके ऊपर रख रखा है, फ्रेम कर चुका हूँ, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. अगर आपको वीडियो देख रहे हैं तो जरूर जाकर देखिए, क्योंकि 30,000 से 40,000 लोगों ने वो वीडियो देख लिया और काफी लोगों को वो अच्छा लगा है, तो होप सो वो वीडियो आपको भी अच्छा लगे. वैसे थोड़ी सी चीज थी जो मुझे यहाँ एड ऑन करनी थी, सो गो लाइक गो एड. नहीं नहीं सर, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं. आपके आपके इस जो आपने वीडियोस बनाई उससे काफी हेल्प मिली, इवन आई फ्रेम माय इंट्रोडक्शन विद योर वीडियो. सो बिल्कुल बिल्कुल व्यूअर्स, आप सर के वीडियोस को बिल्कुल देखें और उसके थ्रू आप अपनी हेल्प लें, वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे. सो ये ऐसे मैंने अपना प्रोजेक्ट समझाया. उसके बाद उनका नेक्स्ट सवाल था मेरे से, डू यू नो अबाउट SDLC. सो इफ यू आर एन IIT और CS guy, डू नोट यू शुड नो वॉट इज SDLC. It is expected from you. If you are not from an ITCS background, then it may be okay if you don't know, but still you should know about SDLC as you have made projects. So you should know this thing called SDLC. So मैंने उनको पूरा SDLC explain किया. It has this, different stages like planning, designing and all those things. So वो चीजें भी explain करी उनको पूरी. फिर उन्होंने next सवाल उनका मुझसे ये था कि which model do you used for your project? So मैंने वो भी प्रिपेयर किया था कि इफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कम्स, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि काफी लोगों से पूछा गया है कि विच मॉडल यू यूज फॉर योर प्रोजेक्ट. सो आई प्रिपेयर्ड दिस वॉटरफॉल मॉडल फॉर माय प्रोजेक्ट. यदि आपने ऐसा कोई मॉडल यूज नहीं किया था, आप जस्ट रेंडमली आपने प्रोजेक्ट को बनाया सब चीजें करी, स्टिल यू शुड प्रिपेयर बिफोर द इंटरव्यू लाइक हाउ यू कुड एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट विद द हेल्प ऑफ दिस मॉडल. So, मैंने वॉटरफॉल मॉडल यूज किया था. तो देर आर डिफरेंट मॉडल्स, वी मॉडल एंड बिग बैंग मॉडल, यू कैन यूज ऑल दोस थिंग्स. उसके बाद उनका नेक्स्ट सवाल था कि व्हाट वाज माय रोल इन द प्रोजेक्ट. सो ऑलवेज रिमेंबर टू टेल अ रोल विच ऑल्सो लुक्स गुड एंड शोज लाइक यू हैड डन समथिंग. डोंट गो विथ लाइक आई हैड जस्ट मेड द डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल दोस थिंग्स, बिकॉज वो चीजें इंटरव्यूअर को इम्प्रेस नहीं करेंगी, बिकॉज डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल दीज थिंग्स आर सेकेंडरी थिंग्स. यदि आपने प्रोजेक्ट में हेल्प करी, आपने कोडिंग पार्ट किया है या आपने होस्टिंग, मतलब जो भी कोई इंपॉर्टेंट पार्ट आपने किया है तो वो जरूर आप बताएं अदर देन दिस. सो फॉर मी, मेरे साथ अच्छी बात ये थी कि हम दो ही लोग थे जिन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया था, तो और दोनों ही नए थे इस प्रोजेक्ट के लिए, तो वी वर डूइंग समथिंग सिमिलर. सो आई एक्सप्लेन्ड हिम कि वी वर लाइक वी, हम दो दोस्त थे एंड हम दोनों का एक कॉमन गोल था. हम दोनों इम्प्रेस थे कि जार्विस से तो हमें एक बनाना था माय वर्चुअल असिस्टेंट. तो लाइक दैट मैंने पूरा एक्सप्लेन किया कि हम दोनों ही साथ में काम कर रहे थे, तो देयर वाज नथिंग लाइक देयर इज सम डिस्ट्रीब्यूशन लाइक ही इज डूइंग द कोडिंग पार्ट और ही इज एंड आई एम डूइंग समथिंग एल्स. वी वर डूइंग ईच एंड एवरी पार्ट टुगेदर. सो आई एक्सप्लेन्ड हिम वेरी प्रॉपरली एंड ही गेव अ कंफर्मेशन लाइक इट्स गुड. Then he asked me about your comfortable language. So I told him like C++ is my comfortable language. Then he come to the as usual questions like OOPS concept. So what is OOPS? So आप हमेशा ध्यान रखिए, सर ने भी कई बार बताया है अपने वीडियोज में कि कभी भी आप कोई चीज समझा रहे हैं तो यूज examples. क्योंकि यदि उन्होंने मुझसे पूछा OOPS, तो OOPS की definition काफी छोटी है, दो line की है, बट वो शो नहीं करेगी कि आपका नॉलेज कितना. आपको यदि अपना नॉलेज दिखाना है तो यू शुड गो विद द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन. OOPS के डेफिनेशन दीजिए, उसके फायदे नुकसान दीजिए, उसके आप टाइप्स दीजिए, 4 pillars जो होते हैं, इनहेरिटेंस एंड ऑल दोस पॉलीमॉर्फिज्म एंड ऑल दोस, वो सब बताइए और एक रियल लाइफ एग्जाम्पल दीजिए कि भाई OOPS आपके रियल लाइफ एग्जाम्पल से डील करने के लिए बनाई गई है ना, ऑल दोस थिंग्स. देन आप बेसिकली ऐसे करने से एक चीज और भी कर रहे हैं कि आप सामने वाले इंटरव्यूअर को बता रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप इससे फ्रेम कर सकते हैं. लाइक जैसे मैंने उन्हें बताया, मैंने एग्जांपल्स दिए कि लाइक 4 pillars आर दीज, तो उनका नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन यही था उनका मुझसे कि व्हाट इज मल्टी लेवल एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस. सो अगेन, मतलब जो आप
बताएंगे जहां आप ले जाना चाहते हैं इंटरव्यूअर को, इंटरव्यूअर वहीं जाएगा, बिकॉज ही इज आस्किंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम मेनी ऑफ यू. वो दिन में कई लोगों से ये सवाल पूछ रहे हैं. इवन माई इंटरव्यूअर गॉट ब्लैंक एट वन पॉइंट, लाइक ही वॉज आस्किंग हिमसेल्फ लाइक व्हाट शुड आई आस्क हिम. सो इस चीज का आप फायदा उठा सकते हैं. आप इंटरव्यूअर को उस तरफ मोड़िए जहां आपको, आप जहां ज्यादा कंफर्टेबल हैं, आप जो चीज अच्छे से बता सकते हैं. इस चीज की प्रैक्टिस कीजिए, मॉक इंटरव्यूज खुद से कीजिए, आप मिरर में देख कर कीजिए, तो आपको वो चीजें सन में आएंगी. पुट योर सेल्फ इन पोजिशन ऑफ एन इंटरव्यूअर. तो वैसे ही मैंने एक्सप्लेन किया उन्हें, तो उनका अगला सवाल वही था, मल्टी लेवल एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस. सिमिलरली उसमें भी आप उसका डिफरेंस बताइए, एज वेल एज एक रियल लाइफ एग्जाम्पल बताइए. तो इस तरीके से एक अप्रोच आप एक सेट कीजिए कि ऐसी अप्रोच होनी चाहिए. देन ही आस्क्ड मी अबाउट कंस्ट्रक्ट. सो मेन गेम यहीं से चालू हुआ था. सो आई टोल्ड हिम एवरीथिंग अबाउट कंस्ट्रक्टर, इवन इट्स टाइप्स एंड एवरीथिंग. देन ही आस्क्ड मी समथिंग अबाउट कंस्ट्रक्टर व्हिच आई डिडंट नो एट दैट टाइम. सो आई कंप्लीटली गॉट ब्लैंक्ड इन माई माइंड, लाइक आई डोंट नो दिस एंड नाउ ही विल नो, लाइक ये इसको अब कहीं तो मैंने फंसा लिया, इसको अब नहीं आ रहा था, ये मेरे दिमाग में अब घूमने लगी थी बात. सो आई जस्ट without going like thinking something else or saying something very different from what is being expected from you for that question, maine simply unse kaha ki I need to update myself, I don't know. Then his next question was on inner and outer joint. This is a very silly and simple question of DBMS, but because main uske pehle wo cheez nahi bata paya tha, to I completely got blank at that point of question two. मैं सोच ही नहीं पा रहा, मुझे लगा कि he is asking something from constructor, and because उन्हें पता चल गया कि इसको इसमें ये चीज नहीं आती है, तो उन्होंने और कोई चीज उसमें से मुझे पूछी, अब वो भी मुझे नहीं आती. सो सिंपली विदाउट मतलब शोइंग दैट आई एम पैनिक्ड और आई गॉट ब्लैंक, आई टोल्ड हिम आई डोंट नो सर, आई नीड टू अपडेट माई सेल्फ. ही अगेन आस्क्ड मी लाइक यू डोंट नो इनर एंड आउटर जॉइंट, सो आई टोल्ड हिम नो सर, आई करेंटली आई डोंट नो, आई नीड टू अपडेट माई सेल्फ. सो अब होता क्या है ना गाइज, आप यहाँ पे अब समझेंगे कि मैंने ऐसा किया तो इंटरव्यूअर को और टाइम मिल गया मुझे परखने का. यदि मैं यहाँ पर उस टाइम को वेस्ट कर देता, बिकॉज टाइम आपके पास कैलकुलेटेड है, 20 मिनट्स का स्लॉट होता है जनरली, तो वो आपके पास एक लिमिटेड टाइम स्लॉट है, उसी में उस इंटरव्यूअर को जज करना है कि आपके पास नॉलेज है या नहीं है. मेरा ये फर्स्ट इंटरव्यू था, तो डेफिनेटली देयर इज अ चांस दैट आई गेट ब्लैंक इन माई माइंड, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है. तो जस्ट सिंपली गो एंड से नो विदाउट वेस्टिंग द टाइम. टाइम वेस्ट ना करने से क्या हुआ कि पहली चीज तो मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल को भी बचा लिया विदाउट थिंकिंग लाइक दिस कुड बी लाइक दैट एंड ऑल दोस थिंग, ऐसे करने से भी मैंने अपने आप को बचा लिया और मैंने खुद को एक टाइम दे दिया और मौका दे दिया. जैसे ही मैंने उन्हें नहीं कहा तो उन्होंने सिंपली मेंशन किया कि आपके रेज्यूमे में SQL भी लिखा हुआ है, तो क्या आपको SQL आता है? आई टोल्ड हिम या सर आई नो बेसिक्स ऑफ SQL. तो उनका सेकंड क्वेश्चन जो मुझे आया वो ये था कि टेल मी द डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड ट्रंकेट, एंड नाउ आई एम रेडी अगेन. सो आई टोल्ड हिम द डिफरेंस. सो यहाँ हुआ ये कि उन्हें ये सन में आ गया कि ही नोज SQL, बट ही नोज ना कि वो रोज इंटरव्यूज ले रहे हैं, तो उन्हें पता है कि स्टूडेंट्स कैन गेट दिस मीन्स वो भूल सकते हैं, एकदम से पैनिक हो सकते हैं कि यार नहीं आया. सो आफ्टर टेलिंग द डिलीट एंड ट्रंकेट आई कैन सी सम सॉर्ट ऑफ सेटिस्फेक्शन इन हिज फेस. सो मैं समझ गया था गलती तो हो गई है, बट या आई कवर्ड इट अप. देन ही आस्क्ड मी अबाउट माई लीडरशिप रोल इन एकेडेमिक पार्ट. सो मैंने उन्हें बताया कि मेरे कॉलेज में तो ऐसा नहीं था कि एकेडेमिक पार्ट में मेरी कोई लीडरशिप हो. देन आई गेव हिम द एग्जाम्पल ऑफ माई स्कूलिंग, लाइक आई हैव बीन इन टू दिस नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस, जहां पे मैंने एक लीडरशिप रोल किया था. अब यहां पर भी एक कैच है, दिस इज एन HR क्वेश्चन. यदि आपसे लीडरशिप पोजीशन पूछी गई है तो आपको खाली ये नहीं बताना है कि आपने किया है या नहीं किया, आपने किया है, किस चीज में किया है, कहां तक आप पहुंचे, एंड शो सम सॉर्ट ऑफ अ लीडरशिप क्वालिटी. लाइक आई शोड हिम दैट वी वर द ग्रुप ऑफ फोर, जिसमें से तीन लोगों को बहुत अच्छे से, मतलब हम लोग अच्छे एक मोर देन एवरेज स्टूडेंट थे, बट वी सिलेक्टेड दिस वन स्टूडेंट हु वॉज बिलो एवरेज, ताकि वो उसको हम हेल्प कर सकें, ताकि वो चीजों को समझ सके, एज वेल एज हमें एक हैंड हो जाएगा हमारे डॉक्यूमेंटेशन एंड पोस्टर मेकिंग एंड ऑल दोज थिंग्स, PPT बनाना और इन सब में उसका काम हो जाएगा. तो आई शोड हिम माई लीडरशिप क्वालिटी विथ दिस. तो आपको यदि ऐसा कोई सवाल आए तो आपको उसमें बताना भी है कि हाँ आपने लीडरशिप क्वालिटी शो भी करी. देन सिंपली ही आस्क्ड मी अबाउट डू यू हैव अ कंप्यूटर, एंड I was like, now half the war is won, and I told him yes, I have my own PC. Then he asked me about
why would I hire you? Again, an HR question. So I told him according to my experiences, like SSB and all those things. So I told him I am a very self-motivated person and I have achieved different achievements in various different fields. And I had a very positive approach to any problem. Like even when I failed in SSB, I had a very positive approach to now shape my career again with what I have left and start with an incredible company like Infosys. So you have to frame your answer according to that and tell him why would he hire you. So show your qualities according to your prior experiences. Just explaining your qualities won't justify that you have those qualities. You have to show by your examples, like I had showed with my previous examples, like mere paas different achievements hai, various different fields mein, mere ek positive approach hai, maine SSB wagera bhi di, wahan failure bhi aaya, but again I am starting. So aapko wo cheez bhi batani, just telling ki main self motivated hu and main positive approach rakhta hu, have no such significance. You have to give the example to what you have done. Then he asked me anything. So do you have any question? So I had this couple of questions, like first of all, your feedback on me, like how I was in the interview and what Infosys expects. So he told me a very general answer. He told me, jo main ek aam freshers ko batata hun, ki aapke concepts bade clear hone chahiye, taki aap training wagera aur aage ki aapki journey kafi easy ho jaye. Saath hi saath aapke paas ek communication skill honi chahiye. So unhone kafi us pe matlab explain karke mujhe kafi sari cheeze batayi us पार्ट को लेकर के. देन आई आस्क्ड हिम अबाउट हाउ माय एक्सपीरियंस वुड बी डिफरेंट इफ आई जॉइन इंफोसिस प्रायर टू पेंडेमिक व्हेन वी हैव टू गो टू द मैसूर. सो वो चीज भी उन्होंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन करी कि ऐसे एस सच बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, आपको सिमिलर एक्सपीरियंस मिलेगा. एंड बस इतना उन्होंने सब एक्सप्लेन वगैरह किया एंड वी वर डन विद द इंटरव्यू. टोटल इट टुक 25 मिनट्स टू अस. And also he at last he mentioned me when I asked him about my experience being as a fresher. So at end he added with a very good smile like, you will got to know whether you are selected or not. So till date I didn't receive my offer letter. I was always imagining his smile in my mind, like whether he was really being serious or he was just being like sarcastic, like whether you will know whether you are selected. आपको ना पूरे इस वीडियो में पहला वीडियो है जहां मैंने आपको सुना है, लाइक एक मतलब ऐसा कैंडिडेट है जिसको मैंने ध्यान से हर एक चीज देखी है, क्योंकि मेरे को काफी चीजें सीखने को भी मिली है. मुझे लगा यार अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा या फिर कुछ भी नया लाऊंगा ना, इनके पॉइंट्स को जरूर बोलूंगा, बिकॉज द वे यू हैव मेंशन ना, आपने अपनी रियलिटी दिखाई है. अगर आप एसएसबी में थे, आप जहां भी लाइफ में फेल हुए, जहां भी आपके मतलब अप डाउन जाए, आपने हर एक चीज बताई. और साथ ही साथ उसके बाद यार उठकर आना, उसके बाद एसएसबी की तैयारी करने के बाद फिर कौन एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कि आपको उप्स कंसेप्ट आते हैं. मतलब काफी चीजें यार मुझे बहुत अच्छी लगी आदित. सो सबसे पहले तो यार कॉन्ग्रेचुलेशन, उप्स यार आप जल्दी से जल्दी और अच्छी कंपनी में जाओ. मैं बोलता हूँ इंफोसिस में ही रहो यार, इंफोसिस में भी अच्छी से अच्छी प्रोफाइल पर जाओ. तो यार बस एक चीज है मैं यहाँ जरूर मेंशन करना चाहूंगा, देखो यार अब आपका सिलेक्शन हो गया राइट. अब मैं चाहता हूँ ये वीडियो जो व्यूअर्स देख रहे हैं, सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं, उनका भी सिलेक्शन हो जाए, तो आप कोई टिप्स वगैरह है जो उनको दोगे कि कैसे उनको अपनी इंफोसिस के लिए तैयारी करनी चाहिए? एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू ऐड इन द लास्ट? यस सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर. आप ही के वीडियोस की वजह से काफी हेल्प भी मिली है मुझे काफी जगहों पर, तो थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प. और जैसी आप वीडियोस बनाते डेफिनेटली ये सभी को हेल्प करती है. एंड मैंने सोच रखा था कि जैसे ही मेरा होता है कुछ तो मैं बिल्कुल आपसे कॉन्टेक्ट करूंगा, आपको भेजूंगा अपने क्वेश्चन. मैंने सिलेक्शन का वेट किया, मैंने सोचा था कि फर्स्ट आई शुड गेट सिलेक्टेड एंड देन आई विल शेयर द क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग. एक वो हो जाता है कि एक वैलिडेशन हो जाता है कि हाँ भाई सिलेक्ट हुआ है बंदा, कुछ बता सकता है. सो थैंक यू सो मच. और मेरा यही है, मेरा भी यही पर्पस है कि मैं अपने एक्सपीरियंस से किसी की हेल्प कर सकूं. सो मेरे यही दो तीन पॉइंट्स है जो एक इंटरव्यू अपने इसमें इंक्लूड कर सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंट्रोडक्शन अपना बहुत अच्छा तैयार कीजिए,
कम से कम आप ये दिखाइए कि आप अपने बारे में कुछ बोल सकते हैं. जस्ट शो हिम, शो योर कम्युनिकेशन स्किल एंड शो एवरीथिंग. यू हैव टू शो योर एवरीथिंग इन दोज 3 मिनट्स. आपको हर चीज बतानी. आप अपने साथ एक टाइमर लेके बैठिए कि आप क्या बोल पाते हैं कि नहीं बोल पाते हैं अपने बारे में. आपने हर वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर किया है कि नहीं उस इंट्रोडक्शन में, क्योंकि इंटरव्यूअर सुनते हैं आपके इंट्रोडक्शन को, वो काफी ध्यान से सुनते हैं और आधी चीज वहीं पर तय हो जाती है. तो बिल्कुल इंट्रोडक्शन को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, प्रोजेक्ट्स को भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें. साथ ही साथ ये गलती आप कभी ना करें, आपको कुछ नहीं आता है तो नहीं आता है. सेव योर टाइम, सेव योर ओन टाइम. क्योंकि होगा ये कि आप उससे एक तो टाइम तो वेस्ट कर ही देंगे कुछ गलत तरफ जाकर के, साथ ही साथ एक इंप्रेशन भी बैड पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर कम्युनिकेशन स्किल एज वेल एज कि यदि इसको आता नहीं है स्टिल ही इज टेलिंग समथिंग एल्स टू मी. तो वो चीज आप मत कीजिए. आप सिंपली उन्हें कह दीजिए कि मुझे नहीं आता या मुझे अपने आप को इस चीज में अपडेट करना है. क्योंकि वो रोज आप जैसे स्टूडेंट्स का इंटरव्यू ले रहे हैं, उन्हें पता है, उनके पास काफी एक्सपीरियंस है, वो आपको जज कर लेंगे कि आपको आता है या नहीं आता है. जैसे मुझे वो बहुत ही सिली सवाल था, इनर एंड आउटर जॉइंट, जो मुझे जिंदगी भर याद रहेगा कि मैं नहीं बता पाया. बट स्टिल यदि मैं उसमें और कहीं जाता, अपना टाइम वेस्ट करता, उससे अच्छा मैंने यदि उन्हें ना कहा और कहा कि मुझे उसे अपडेट करना है, तो उनको मैंने टाइम दे दिया कि वो मुझे अगला सवाल पूछ सके. उन्होंने मुझसे कंफर्म किया एसक्यूएल आपको आता है कि नहीं, और उन्होंने मुझसे पूछ लिया एक एसक्यूएल का सवाल. वो समझ गए कि हाँ भाई हो सकता है कि भूल गया. सो ज्यादा ट्रिक करने की जरूरत नहीं है इंटरव्यूअर को. जो आपको आता है वो आता है, जो नहीं आता वो नहीं. एंड जैसे सर अपने वीडियो में हमेशा मेंशन करते हैं, एग्जांपल्स के साथ अपने जवाब को जरूर दीजिए. वो एक शो करता है कि जी आपको कुछ आता है, आपको उसके बारे में आता, आपको उस चीज की उतनी समझ है कि आप उसे अपने रियल लाइफ से जोड़ सकते हैं. तो वो समझ जाएंगे कि आप इस चीज में अच्छे हैं. तो इसीलिए आप एक एग्जाम्पल के साथ जरूर बताएं. और थैंक यू सो मच सर, ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था, ये आपकी वीडियो से ही सही मुझे पता चला कि मुझे एग्जांपल्स के साथ बोलना है. मी बीइंग अ फ्रेशर मुझे नहीं पता था, एंड यदि मैं आपकी वो वीडियो नहीं देखता तो शायद मुझे अभी भी नहीं पता. तो थैंक यू, इसका क्रेडिट तो आप ही को जाता है कि आपने ये सब बताया. इस वजह से बिल्कुल आज मेरा सिलेक्शन. गाइज बिल्कुल सर की वीडियोज को आप फॉलो कीजिए, इनकी जो डिफरेंट प्लेलिस्ट है उस सब चीजों को फॉलो कीजिए, आपको जरूर हेल्प मिलेगी. सभी के लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. साथ ही साथ यार अगर ये पूरा वीडियो अच्छा लगा हो, बस कुछ ही नहीं करना है, लाइक बटन को दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसी वीडियो ऐसे अपडेट्स रोजाना अपने मोबाइल के नोटिफिकेशंस पर मिलते रहे. सो एट लास्ट अध्यक्ष थैंक यू सो मच यार, आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आए, आपने टाइम निकाला, अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया. बिकॉज इट मीन्स अ लॉट टू एवरीवन हु इज वॉचिंग दिस वीडियो. सो थैंक यू सो मच एट लास्ट. Thank you so much, sir, for inviting me. It's my pleasure to be here and to help someone. Yeah, sure.